इस न्यूज के प्रायोजक है रॉकेट प्लस लाइट ऑन पॉकेट डॉट बिग ऑन परफॉर्मेंस रॉकेट प्लस। अगर आप भी रॉकेट प्लस की डीलरशिप लेना चाहते हैं तो आज ही दिए गए इस नंबर पर संपर्क करें। हमारा नंबर है 9878740455। सेंट एंड्रयूज पब्लिक स्कूल कर्मयोगी के वातानुकूलित सभागार में 36वें दीक्षांत समारोह का शुभारंभ कर्दव राज का पूजन व आरती के साथ किया गया। सर्वप्रथम शोभा यात्रा में अध्यक्ष प्रोफेसर लवकुश मिश्रा, टूरिंग एंड होटल मैनेजमेंट विभाग विशिष्ट अतिथि राकेश चंद्र शुक्ला व मूर्खानंदन विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर किरधर शर्मा, कुल सचिव राज बहादुर सिंह राज एवं सभी उपाधि धारकों ने ढोल नगाड़ों के साथ विशेष परिधान पहनकर सभी अतिथियों ने मंच की ओर प्रस्थान किया। मैं पवन मंसल, अध्यक्ष आगरा व्यापार मंडल संगठन, अध्यक्ष कर्मयोगी इंक्यूबेटर सोसाइटी, आज सेंट एंड्रयूज स्कूल कर्मयोगी में हमारे स्कूल के डायरेक्टर मिस्टर शर्मा जी द्वारा महाभूत सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जो ये पिछले 25 साल से अध्यक्ष करते आ रहे हैं। आज इसकी सेलिब्रेशन मना रहे हैं। यहाँ पे विभिन्न हम सभी शहरवासियों और जो जनजीवी लोग हैं उन सबको एक नई नई उपाधि दी गई है। इसमें आज मुझे भी एक मूर्खानंद की उपाधि दी गई है। बाकी ये बहुत अच्छा खुशी का पल है। वैसे तो हम भागदौड़ की जिंदगी में इतना समय नहीं निकाल पाते, लेकिन आज यहाँ पर देख के बड़ा अच्छा लग रहा है कि हम ऐसे भी लोगों को हंसा सकते हैं और रख सकते हैं ऐसी भागदौड़ जिंदगी में। जो सर ने ये कार्यक्रम रखा है इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत उनको धन्यवाद देता हूँ। और आप सबके माध्यम से पूरे शहरवासियों को होली की बहुत बहुत हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूँ। ये भाईचारे और प्रेम का त्यौहार है, इसको सौहार्द के साथ मनाएं, केमिकल रंगों का प्रयोग ना करें और अच्छे तरीके से होली मनाएं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। महामूर्खानंद विश्वविद्यालय का 36वां दीक्षांत समारोह संपन्न हो रहा है और इस अवसर पर शहर की वो विधायक जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में बड़ी ईमानदारी से कीर्तिमान स्थापित किए हैं उन 10 विधाओं को आज सम्मानित किया जा रहा है। और आज के कार्यक्रम में अध्यक्षता प्रोफेसर लवकुश मिश्रा कर रहे हैं, जो होटल डिपार्टमेंट डॉक्टर बी अम्बेडकर विश्वविद्यालय के निदेशक हैं और संस्कार भारती के तमाम कविगण साहित्यकार आज इसमें मौजूद हैं और सेंट एंड्रयूज स्कूल की शिक्षक शिक्षिकाएं भी यहाँ मौजूद हैं। और देखा जाए तो ये अपने आप में बड़ा बेढब कार्यक्रम है और हम लोग हमेशा प्रयास करते हैं कि हम बहुत ही बुद्धिमान हैं और अपनी बुद्धिमत्ता की छाप छोड़ने का प्रयास करते हैं, लेकिन देखा जाए तो होली के अवसर पर अगर होली का आनंद लेना है तो मूर्ख बनना आवश्यक है, क्योंकि मूर्ख बनने के बाद में आपकी कोई सीमाएं नहीं रहती और आपके ऊपर कोई अवसाद नहीं रहता और अपनी सीमाओं से बाहर आकर हम जिंदगी का मजा ले सकते हैं। तो कुछ ऐसी यहाँ पर परंपराएं हैं कि बजाय ताली के गांव गांव किया जाता है और जो यहाँ पर कूपन प्राइज मिलेंगे भी फर्स्ट सेकंड थर्ड उनको देख के भी श्रोताओं के हंसी के फुहारे फूटेंगे और जो गदरराज की आरती है वो भी अपने आप में एक मिसाल है। कोई भी प्रयास नहीं छोड़ते हम लोग कि हंसने का कोई भी बहाना यहाँ लोगों को ना मिले, क्योंकि हास्य है तो जीवन है।